नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कलमेश्वर 35, कामठी 26, काटोल 17, रामटेक 12, कुही तहसील में 11 संक्रमित। स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग, महिला ने कुएं में कूदकर दी जान। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। कलमेश्वर 35, कामठी 26, काटोल 17, रामटेक 12, कुही तहसील में 11 संक्रमित। जिले के ग्रामीण अंचल में कोविड संक्रमितों का आंकड़ा हर रोज बढ़ता जा रहा है। कलमेश्वर तहसील में शनिवार को 35 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कलमेश्वर ग्रामीण शहर में 20 मरीज मिले। ग्रामीण क्षेत्र के लोनारा, धापेवाड़ा 3-3, तेलकामटी, मोहपा, कोहली 2-2 तथा मांडवी, पिपला और गोंडखैरी में 1-1 व्यक्ति संक्रमित मिला। कामठी तहसील में 26 मामले सामने आए हैं। काटोल शहर में 17 मरीज मिले हैं। तो वही रामटेक तहसील में 12 संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही मरीजों की कुल संख्या 1,237 हो चुकी है। कुही तहसील में 113 लोगों का टेस्ट किया गया, इनमें से 11 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कुही शहर में 5 मरीज मिले। ग्रामीण क्षेत्र के तीतूर में 5 और वेलतूर में 1 व्यक्ति संक्रमित पाया गया है। यह जानकारी टीएचओ डॉक्टर संजय निकम, मंगेश कुमार शंकरकर ने दी है। तो वहीं दूसरी ओर स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग। नागपुर में कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में नागपुर में 15 से 21 मार्च तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। इस दौरान जहां एक ओर शहर में दुकानें, मॉल सहित अन्य संबंधित प्रतिष्ठान, कार्यालय बंद रहेंगे, वहीं रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग पहले की तरह ही जारी रहेंगी। मध्य रेलवे नागपुर मंडल के जनसंपर्क अधिकारी SG राव के मुताबिक लॉकडाउन अवधि में भी ट्रेन से जाने के लिए नागपुर रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएंगी। इस दौरान किसी यात्री का तापमान अधिक पाए जाने पर उसे ट्रेन से जाने नहीं दिया जाएगा। वहीं ट्रेन से नागपुर आने वाले यात्रियों की भी स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। तो वहीं तीसरी ओर महिला ने कुएं में कूद कर दी जान। कलमेश्वर तहसील के मोहपा में विवाहिता ने कुएं में कूदकर जान दे दी। मृतक कल्याणी मंगेश टाकर खेड़े है। घटना शुक्रवार 12 मार्च को उजागर हुई। कलमेश्वर थाने में सूचना दी। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।